साथ निभाना साथिया में आज है गहना और अनंत की फर्स्ट नाइट यानी उनकी सुहागरात। लेकिन आज के दिन भी यहाँ कनक बा और खासकर राधिका चाल चलने से बाज नहीं आते। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनंत गहना के करीब ना जाए, अनंत और गहना में वो केमिस्ट्री ना हो और अनंत और गहना जल्द ही एक दूसरे से दूर हो जाए और गहना मजबूरन इस घर को छोड़ दे। आज के एपिसोड में खास बात यह है कि आप देखेंगे रिसेप्शन पार्टी में यहाँ पर हेमा जो घर की छोटी बहू सेकेंड बहू है वो गहना को अपने कमरे में लॉक कर देती है। उसे बहाना करती है कि मेरी अलमारी नहीं खुल रही है, तू जरा खोल दे। और जैसे ही वो हेमा के कमरे में अंदर जाती है हेमा उसका दरवाज़ा बंद कर देती है। और यहाँ राधिका लाल साड़ी में लाल जोड़े में जो बांध दी है वो पहन कर अनंत के कमरे में आती है और दोनों एक साथ इस पार्टी में आते हैं। सभी को लगता है कि राधिका है इनकी बहू, राधिका है अनंत की पत्नी, ये सभी को लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि अचानक से यहाँ गहना आती है और गहना के साथ इस पूरी पार्टी में बहुत बदतमीजी होती है। यहाँ पर एक लेडी गहना को कहती है, एक लेडी कोई और नहीं वो बा की छोटी बहन है जो यहाँ पर मासी है, वो यहाँ पे कहती हैं गहना से कि मेरी बहुत महंगी चप्पल ख़राब हो गई है और तू जरा साफ़ कर दे। उन्हें पता है कि गहना इस घर की नौकरानी है। लेकिन फाइनली अनंत आता है और कहता है कि गहना इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की छोटी बहू है। सब लोग यहाँ आशीर्वाद तो देते हैं लेकिन बेमन से राधिका यहाँ स्टेज पर गहना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है। लेकिन अनंत पति धर्म निभाता है और राधिका को रोक देता है। आप देखेंगे अनंत के साथ गहना राधिका अनंत के साथ ऊपर छत पर जाएगी और उसे फिर से अपने करीब लाने की कोशिश करेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, हम दोनों एक हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे गहना अनंत को ये बात समझाएगी कि आप चाहें तो आप इस रिश्ते से आज़ाद हो सकते हैं, मैं आपको बाबूजी के दिए हुए वचन से आज़ाद करती हूँ। आप चाहें तो राधिका बहन के पास जा सकते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आज गहना और अनंत की पहली रात है, उनकी फर्स्ट नाइट है और गहना यहाँ पर बैठी होती है सकुचाई सी और अचानक से अनंत आता है। दोनों में एक थोड़ी सी ऑकवर्डनेस है, एक दूसरे से जो दूरियाँ हैं वो तो है ही हैं लेकिन अचानक से यहाँ एक दूसरे को समझने का जो मौका था वो भी यहाँ कनक बहू और राधिका मिलकर ख़राब कर देते हैं। राधिका यहाँ इनकी फर्स्ट नाइट को अनंत को फ़ोन करती है और बताती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये हो गया है और अनंत को पहली रात को छोड़कर जाना पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या अनंत ये चाले समझ पाएगा।